अकोला 24 न्यूज, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। देखिए आज अकोला शहर में इस वक्त रात के 12:30 बज रहे हैं। इस कंडीशन में यहाँ पर राजेश्वर जो पुल जा रहा है किले के पास से कोले शहर में पुल निकलता है, इसके बीच यहाँ पर नदी है। जिस तरीके से नदी में पानी किस तरीके से चढ़ा हुआ है देखिए, जो कि धरण के यहाँ पर दरवाजे खुले हैं और वहाँ से पानी किस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर जूना शहर पुलिस अलर्ट हुई, जिसमें जनता को आह्वान किया गया। पानी जस्ट बिल्कुल एक घंटा पहले पानी यहाँ चढ़ा है, जबकि यहाँ पानी कुछ ही नहीं था और यहाँ पब्लिक जमा होने जा रही थी। पुलिस प्रशासन की ओर से पूरा आह्वान किया गया, नदी किनारे वालों को पूरा सूचना दी गई और इसी वक्त रात में पानी चढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जनता ने सावधान रहे और अपनी नींद में ना सोए। देखिए आपके सामने हम मौजूद हाल इस वक्त किले के पास यहाँ पर पुल के ऊपर आपके सामने अकोला 24 न्यूज़। देखिए अकोला 24 देखते रहिए, अकोला से इरशाद अहमद की रिपोर्ट्स देखते। रात्री दरम्यान पेट्रोलिंग चालू असताना माहिती मिळाली की मोरणा नदीच्या राजराजेश्वर सेतू पुलावरून पाणी वाहत आहे। पेट्रोलिंग दरम्यान आम्ही तिथं जाऊन पाहणी केली तर बऱ्याच बघ्या लोकांची गर्दी जमलेली दिसली, त्यांना तिथून काढण्यात आले आणि पोलीस प्रशासनातर्फे सर्वांना आवाहन करण्यात येते। नदीवरील पाणी वाढलेले असून पुलावर पाणी बरेच प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात वाहत आहे, त्या पुलावर कोणी जाऊ नये आणि आतमध्ये जाण्याचा प्रयत्नसुद्धा करू नये, स्वतःची काळजी घ्यावी आणि सुरक्षित राहावी। ये किती देर हो रहा पाणी, अभी जस्ट चढ़ा है, कितना टाइम हो रहा? पाणी 1.5 घंटे पहिले चढ़ा हुआ है, एकदम से फ्लो आया और पानी स्पीड बढ़ गई। रेडी बोलिए सर, आज क्या कंडीशन है इस नदी पर? नदी में अचानक से पानी का स्तर बढ़ गया, उस वजह से राजराजेश्वर सेतु के ऊपर पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। अच्छा, यहाँ लोगों की बहुत भीड़ जमी हुई थी, पानी ज़्यादा बढ़ने की वजह से लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया और पुलिस प्रशासन की तरफ से आह्वान है नागरिकों को कि नदी के पास में न जाए, न पुल पे जाए, जिससे कि कोई दुर्घटना न घटे।